करोड़ों की दवाई फेल है सौंफ के आगे। सौंफ को तो आपने बहुत बार खाया होगा। खाना खाने के बाद भी हम सौंफ का उपयोग करते हैं एज ए माउथ फ्रेशनर, या फिर हमें अच्छा लगता है इसलिए हम सौंफ को खाते हैं। लेकिन आयुर्वेद में इसके बहुत सारे औषधीय गुण बताए गए हैं। हृदय रोग की समस्या हो, एसिडिटी की समस्या हो, या फिर जिन लोगों में कमजोरी होती है उसकी समस्या हो, हर चीज में सौंफ बहुत अच्छे से काम आता है। लेकिन आपने इन औषधीय गुणों के बारे में सौंफ के कभी सुना ही नहीं होगा। आज मैं आपको बेहतरीन नुस्खे बताने वाला हूँ सौंफ के, जिसकी मदद से जो भी आपकी हृदय रोग की समस्या है वो दूर हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत दूर हो जाएगी, जिन लोगों के आंखों में दर्द होता है वो भी दिक्कत दूर हो जाएगी, जिन लोगों को गठिया होता है, बुखार होता है, वो भी आपको कभी नहीं होगा। तो वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखें, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो हमारी आयुर्वेद की किताब चरक संहिता के अनुसार दे रहा हूं, तो इंफॉर्मेशन बहुत ही ऑथेंटिक रहने वाली है, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। उससे पहले दोस्तों प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये बढ़िया इंफॉर्मेशन सब तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक करें और मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं बहुत बढ़िया वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाता हूं दोस्तों, सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग हेल्दी रहे। जो डॉक्टर के पास आपके लाखों रुपए खर्च होते हैं ना, वो मैं आपके बचाना चाहता हूं। ये हमारी पहल है ऋषिकेश आश्रम की ओर से कि 2024 से पहले हमारे सारे भारतवासी स्वस्थ हो जाए। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। सौंफ को हिंदी में सौंफ बोला जाता है, संस्कृत में इसको छत्रा या शालेय भी बोला जाता है, और उर्दू में इसको पन मधुरी बोला जाता है, और बहुत सारी भाषाओं में जैसे कन्नड़ा में इसको बड़ी सोपू भी बोला जाता है। तो आपके भाषा में इसको क्या बोला जाता है मुझे नीचे कमेंट करके भी आप बता सकते हो। आजकल बहुत लोगों को गैस की समस्या हो रही है, हम मैदे का सेवन कर रहे हैं, गंदी गंदी चीजों का, केमिकल भरी चीजों का सेवन कर रहे हैं। आजकल जो फूड्स होते हैं ना दोस्तों हमारे, उसमें भी केमिकल बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं। तो कब्ज की जो समस्या होती है, जो गैस की समस्या होती है, उसके लिए आपको क्या करना है ना, सौंफ के दोस्तों पौधे की ना ग्रास आती है, उसको क्या करना है ना, आपको पानी में उबालना है, उसके बाद 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सौंफ को भी इसमें मिलाना है, और उस पानी को 5 से 10 मिलीलीटर की मात्रा में खाने के बाद आपको सेवन करना। जी हाँ दोस्तों, खाने के बाद सेवन करना है, और आपको कभी भी पूरा पेट नहीं भरना है, आपको 80% ही खाना है अपनी भूख के अनुसार। अगर इस काढ़े का आप सेवन करोगे ना, तो आपकी कब्ज की जो समस्या होती है वो भी आसान से दूर हो जाएगी। आंखों के लिए भी सौंफ बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। करना क्या है ना, आपको 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सौंफ लेना है। जी हाँ दोस्तों, सौंफ लेना है, उसको लंगरी में आपको पीस लेना है, और 65 मिलीग्राम, जी हाँ दोस्तों ध्यान रखें, मिलीग्राम बोल रहा हूं मैं, उसकी मात्रा में आपको लेना है खसखस, यानी कि पोस्त के दानों का चूर्ण आपको लेना है, और इन दोनों का मिक्सचर का चूर्ण बना के आपको रेगुलर इसका सेवन करना है। आप देखोगे 1 महीने में आपकी आंखें बहुत हद तक ठीक हो जाएगी, आपकी जो नजर खराब हो चुकी है वो भी बहुत हद तक ठीक हो जाएगी, और भी बहुत सारी बीमारियों में आप सौंफ का उपयोग कर सकते हो। आगे आने वाले वीडियोस में हम ऐसे ही बढ़िया से नुस्खे आपको बताने वाले हैं, तो प्लीज अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज